जी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। अच्छा, अगर आपने इंस्टाग्राम की वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरा एक एल्बम है जहाँ पर मैं बात, यानी जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आई थी और मैंने शुरू किया था पोस्ट करना यहाँ पर अभी नए अकाउंट के ऊपर, तो मैंने एक एल्बम क्रिएट किया है, एक हाईलाइट का एल्बम है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जो वीडियोस मुझे करनी है फ्यूचर में। तो उसमें उन दिनों मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर रही थी क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं रही थी आप लोगों से रिलेटेड, तो मैं चीज़ें पोस्ट कर रही थी और उसमें उसमें एक मैंने स्टोरी शेयर की थी जिसमें निक और प्रियंका थे और उनके ऊपर मैंने लिखा था कि मैं उनको एक्सपोज करूँगी बहुत जल्द, और नीचे जो हैशटैग है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डेस्परेट अटेम्प्ट लिखा हुआ था। ठीक है, अब असल में मुझे उस वक्त ये हैशटैग डालना नहीं था, और अगर आप वो एल्बम देखेंगे ना, मैंने उस एल्बम में हर जगह हिंट डाली हुई कुछ ना कुछ चीज़ों की। बेशक ये सिलसिला बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट का है, लेकिन मुझे जो इसमें जो असल में हैशटैग यूज़ करना था वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे था उस वक्त आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रियंका और निक की जो बेटी है वो सैरोगेसी के थ्रू हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर ये क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो शब्द है वो हाईलाइट भी हुआ हुआ है यानी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये समझ तो आ ही गई होगी कि ये टॉपिक किस तरीके तरफ जा रहा है, इसकी दिशा क्या है। लेकिन इस पूरी वीडियो को समझने के लिए कि ये पॉइंट पे यहाँ तक बात आई क्यों है, इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा 2000 में, जब प्रियंका चोपड़ा जो है वो इंडिया के लिए मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतती हैं। ये लारा दत्ता और दिया मिर्ज़ा दोनों के साथ होती हैं, और इन दोनों में से जो इन तीनों में के जो ग्रुप था, इनमें से जो सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड में जिसका करियर रहा है लारा दत्ता, दिया मिर्ज़ा बिल्कुल पास स्टोरीज़ हैं, इतनी कोई उन्होंने बड़ी फिल्म्स भी नहीं की हैं। लारा दत्ता फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सही रहा है उनका करियर, लेकिन दिया मिर्ज़ा तो बिल्कुल भी यानी ना होने के बराबर उनका करियर था। खैर, प्रियंका चोपड़ा किस तरीके से फिल्म्स में आगे बढ़ती हैं उसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से गैंगस्टर या अल्लाह जाने प्रियंका की एक फिल्म थी जिसमें प्रियंका, सॉरी, कंगना रनौत की एक फिल्म थी जिसमें कंगना एक फिल्म को दिखाती हैं, एक सीन को दिखाती हैं जहाँ पर वो अपने किसी क्लब में, पता नहीं प्रियंका थी कंगना थी मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से कंगना थी फैशन के अंदर ही शायद, या अल्लाह जाने कौन सी फिल्म, मुझे बिल्कुल इस वक्त याद नहीं आ रही है। तो वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने क्लब में गिरती हैं और वो अपने जो हाई बूट्स होते हैं उसको खोलती बंद करती कुछ ऐसे करती, तो वो उसको सड्यूस करती है। वो एक्चुअली महेश भट्ट और जो भट्ट परिवार है ना, दोनों भाई, उनसे रिलेटेड वो सीन था, तो वो फिर उसको उसका करियर चल पड़ता है। मेरे ख्याल से वो गैंगस्टर थी, मुझे याद नहीं है फिल्म, आप में से शायद किसी को सीन याद होगा, क्लब का सीन था और ब्लैक कलर के बूट्स थे, हाई बूट्स थे जो नी बूट्स होते हैं। एनीवे, जाहिर सी बात है कि आप इंडस्ट्री में जो आपकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उसके अंदर आप कदम रख ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां रनर अप होती हैं या टॉप 10 में होती हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर कदम नहीं जमा सकती क्योंकि नेपोटिज्म पे आपकी इंडस्ट्री चलती है, बाहर वाला आ नहीं सकता इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में आने के लिए आपको वही करना पड़ता है जो कि असल में लोग जिसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं। आपको आपको लिंक्स नहीं बनाने पड़ते हैं, आपको हर इंसान को पकड़ कर उसको उस चीज़ पे सेटिस्फाई करना पड़ता है जो उसको चाहिए होती है आपसे, वो किसी भी सूरत में कुछ भी हो सकता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको आपको काम नहीं मिलेगा, आपको जो आपके लीड एक्टर्स हैं वो हायर नहीं करेंगे। जैकलिन फर्नांडिस को वो कद्दू जैसे फराह खान के भाई के साथ क्यों रिलेशनशिप में रहना पड़ा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर था, उसको पता था कि मैं श्रीलंकन हूँ तो मुझे काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, इंडियन तो दूर की बात ही नहीं, इंडियंस को नहीं मिलता है अगर वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब प्रियंका एंटर हो गई इंडस्ट्री के अंदर, इनकी इनका इनका बहुत अच्छा सिलसिला भी चला। उसके बाद मेरे ख्याल से बिल्कुल इनकी करियर के शुरू के 3 सालों ही के अंदर अंदर, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से जब ये 2000 में बनी है तो 2001 जो है इनका पूरा मिस वर्ल्ड की ड्यूटीज़ निभाते हुए गुजरा। 2001 के आखिर में इनको फिल्म्स मिलना शुरू हुई, फिर इन्होंने 2 या 3 में इनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, मेरे ख्याल से 3 में शायद इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी जो बॉबी देओल के भाई के ऑपोजिट थी, जिससे खैर उनको इतना नाम नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने अगली फिल्म की अक्षय कुमार के ऑपोजिट जिसका नाम अंदाज था, जहाँ से ये एक्चुअली यानी इनको इनका नाम निकल कर आया, नाम निकल कर आया, लोगों ने इनको देखना शुरू किया, इनको पहचानना शुरू किया। ये एक हिट हुई थी, पता नहीं इसी फिल्म के अंदर एक गाना था, इसने येलो कलर के कुछ कपड़े पहने हुए थे, देसी कपड़े पहने हुए थे, वहाँ से इसका जो पूरी पीआर क्रिएट की गई थी वो उधर से की गई थी कि ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन कोई लड़की है और ऐसी है वैसी है। तो ये वहाँ से
इसके ऑपोजिट आई, ये 2004 की फिल्म है और उसके तुरंत बाद ही, अक्षय कुमार से बड़ा प्लेयर है ही नहीं एक्चुअली बॉलीवुड के, जितने भी अभी के एक्टर्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल, वो सब प्लेयर्स ही हैं। तो उनके ऑपोजिट जितनी भी लड़कियां होती हैं वो एमी ही नहीं होती हैं। वो जाहिर सी बात है कि किसी को फार्म हाउस जाना पड़ता है, किसी को कहीं जाना पड़ता है, किसी को कहीं, तभी आपको फिल्म मिलती है, अदरवाइज़ आपको फिल्म नहीं मिलती है। तो इसको अक्षय कुमार मिल गया, अक्षय कुमार जैसे ही इसको मिला, अक्षय कुमार को जाहिर सी बात है इसने छोड़ना नहीं था, तो अक्षय कुमार और प्रियंका का लिटरली रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। वहाँ से ये दोनों रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर ये सलमान खान के साथ इसको एक फिल्म ऑफर करता है जिसका नाम था मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगी ये फिल्म से तो जिसे कहते हैं ना एक जो हाउसहोल्ड नाम होता है वो बन गया था प्रियंका चोपड़ा का। इनफैक्ट प्रियंका ने अंदाज के लिए, पता नहीं हीरो के लिए तो नहीं, शायद अंदाज के लिए, या पता नहीं कौन सी इसकी डेब्यू फिल्म थी, हीरो थी या अंदाज थी, इसका इसने जीता भी था, अवार्ड भी जीता था। और मुझे अभी तक याद है कि रेखा ने उसको उस वक्त अवार्ड दिया था, क्योंकि कोई भी और एक्टर या एक्ट्रेसेस देना नहीं चाहते थे किसी भी नए चेहरे को इस तरीके से अवार्ड, तो आकर रेखा ने दिया था। और रेखा ने ये कहा था कि प्रियंका को मैंने जितना देखा है और मैं जितना जानती हूँ, मुझे लगता है ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। और उसी समय पे प्रियंका अवार्ड शोज़ को होस्ट भी करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि बहुत अच्छी मिमिक्री बहुत अच्छी करती है। तो मेरे एक था ना, क्या नाम है उसका, वो जो थ्री इडियट्स में बहन थी करीना कपूर की, उसका एक ड्रामा होता था बहुत फेमस था, वो उसमें चश्मा लगा के नर्ड टाइप की लड़की होती थी, मुझे याद नहीं है। तो वो उसकी भी कॉपी उसने की थी, वो पूरा होस्ट किया था इसने शो, मेरे ख्याल से उस वक्त अवार्ड शो था, पता नहीं आईफा था या पता नहीं आप लोगों के कौन से, एक और जो दो बड़े होते हैं उनमें से किसी एक में थी। तो ये उस टाइम से यहाँ वहाँ से ना ये निकलना शुरू हो गई, जाहिर सी बात है अवार्ड शोज़ में भी अगर आ रही है होस्ट कर रही है तो इसके लिए ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के थ्रू आ रही होगी, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं या बड़े बड़े जो बिजनेस मैग्नेट्स होते हैं उनके थ्रू ही आई होगी। और वो किस तरीके से आई होगी वो आपको बिल्कुल पता है कि एक औरत किस तरीके से अंदर घुस सकती है। तो ये आई, इसको यहाँ पर फिल्म मिली, ये अक्षय कुमार की उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अक्षय कुमार ऑलरेडी बेशक मैरिड ये सब होते हैं लेकिन ये अपने साइड में सब कुछ रखते हैं। तो इसने प्रियंका को डेट करना शुरू कर दिया। जब इसने सलमान खान के साथ काम किया तो ये सलमान खान के सर्कल में एंटर हो गई। जब ये सलमान खान के सर्कल में एंटर हुई तो डेफिनेटली यहाँ से इसको और जो बड़े ए लिस्टर्स थे उनके सर्कल में आना शुरू हो गई, जहाँ से शाहरुख खान की एंट्री इसकी लाइव इसकी उसमें आती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये बड़े उसमें एंटर हुई, फिल्म इतनी बड़ी मुझसे शादी करो हिट हो गई, तो इसको एक फिल्म मिली, क्रिश फिल्म मिली, दूसरी इसको एक और फिल्म मिली, वो डॉन डॉन थी। अच्छा, अब ये दोनों 2006 की थी। क्रिश में इसको इसलिए काम मिला क्योंकि प्रीति जिंटा को प्रॉब्लम थी कोई मिल गया में, कि प्रीति जिंटा जो फिल्म थी वो पूरी ऋतिक के ऊपर थी, ऋतिक को सारा उससे लाइमलाइट मिला। प्रीति जिंटा को ये प्रॉब्लम थी, उसको ईगो का इशू हो गया था कि मेरा नाम ही नहीं है, मुझे फिल्म में को काम नहीं मिला, मैं साइड का कैरेक्टर थी। तो कोई मिल गया कि जो फ्रेंचाइज थी वो छोड़कर वो निकल गई, जिसके बाद जो अगली फिल्म बनती है इंस्टॉलमेंट की वो क्रिश बनती है, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा उसके अंदर लीड में आती हैं। अब प्रियंका चोपड़ा को कुछ भी इशू नहीं था कि मैं लीड कैरेक्टर हूँ नहीं हूँ, मैं शो पीस के लिए हूँ, मुझे बस बड़े बैनर्स की फिल्म्स मिलती रहे, मेरा नाम होता रहेगा। उसी के साथ साथ उसी ही टाइम पे इस डॉन भी उसी साल में आई थी। डॉन जब आती है, और डॉन में यहाँ पर दोनों ये जो जो भी होता है, जाहिर सी बात है वो पहले अक्षय कुमार के साथ थी, फिर वहाँ से हटी तो अक्षय कुमार से साइड पर, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी इसके साथ तो अटकना नहीं था, ये हटी ये शाहरुख खान के साथ लग गई। इसको पता था कि शाहरुख खान से बड़ा इंडस्ट्री के अंदर तीन खान बड़े हैं, आमिर, सलमान और शाहरुख। इन तीनों में से आप किसी के भी साथ हो आपके करियर आगे से आगे ऊपर से ऊपर चला जाता है। इसको मिल गया शाहरुख खान। अब इसने शाहरुख खान को छोड़ना नहीं था, शाहरुख खान इसको मिला, यहाँ से इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब ये रिलेशनशिप, जैसे शाहरुख खान बहुत आवारा मिजाज का है, बहुत ही आवारा भी है, और क्या कहते हैं, एक तो देखिए एक प्लेयर होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, एक मिजाज में ना आपकी आवारगी होती है, आप एक होते हैं बस, वो उसका जो मिजाज है ना बहुत चार्म टाइप का, कि मैं बहुत बड़ा चार्मर हूँ और लड़कियाँ बहुत जो स्नेक होती हैं सारी, और मैं उनका चार्मर हूँ और मैं किसी को भी अपने बिल में घुसेड़ सकता हूँ और मैं मुझे ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, यानी उसका एक अपना चार्म है। और लड़कियाँ क्या करती हैं, वो शाहरुख के चार्म के पीछे नहीं होती हैं, वो शाहरुख के नाम के पीछे होती हैं, क्योंकि शाहरुख एक बहुत बड़ा बैनर है बॉलीवुड के अंदर। आप उसकी अगर छत्र छाया में हैं तो आप इंडस्ट्री में कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। फुटपाथ वाले भाई की भी जो गर्लफ्रेंड्स, जिनको आप समझ रहे होते हैं कि वो गर्लफ्रेंड्स हैं, वो एक्चुअली गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, वो साइड चिक्स होती हैं, फ्लिंग्स होते हैं, जिनको आप लोग गर्लफ्रेंड्स का नाम दे देते हैं, कटरीना इंक्लूडेड। अब क्या होता है, क्योंकि सलमान जो है वो सिंगल है, तो वो सबको लगने लगता है कि अगर वो रिलेशन इस तरीके से फ्लिंग्स में है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होगा। हालांकि ये सिर्फ
प्रॉपर एक बिजनेस पीआर टीम्स पीआर स्ट्रेटजीज होती हैं, या ये नॉर्मल एक फेक रिलेशनशिप्स होते हैं। खैर क्या हुआ, प्रियंका की पता नहीं कौन से हुस्न से पागल होकर शाहरुख खान हकीकत में उसके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो गया। अब ये जब इन्वॉल्व हो गया तो इनके इनका बहुत कुछ चलने लग गया, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, बहुत ज़्यादा ये लोग एक दूसरे के करीब भी हो गए। जब ये एक दूसरे के बहुत करीब होने लगे तो यहाँ पर जो सब इन्होंने बहुत सारे शोज़ भी होस्ट किए, बहुत सारी जगहों पर भी जाने लगे। हत्ता कि जो इंटरनल चैटर थी वो ये थी कि ये शाहरुख जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इन्वॉल्व था। यहाँ हत्ता कि गौरी जो थी उनकी जो शादी थी उसको ख़तरा भी होना शुरू हो गया था। ये 2006 के टाइम की बात है, 2006-07 के टाइम की बात है। उस टाइम पर भी इनिशियली ये चीज़ होने लगी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा गौरी के बहुत करीब थी, उसकी दोस्त भी थी, तो वो प्रियंका चोपड़ा, जाहिर सी बात है कि जो सारी एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं ये अपने सारे जो को स्टार्स की वाइफ्स होती हैं उनके साथ बहुत नॉर्मल होती हैं, चमी होती हैं कि नहीं हम फ्रेंड्स हैं और बहुत सब कुछ नॉर्मल है, फिल्म के अंदर कोई सीन है तो है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये सब एक दूसरे को बहुत क्या कहते हैं, एक दूसरे को ये लोग सब बेवकूफ़ बना कर रखते हैं। ठीक है, बीवियाँ भी बेवकूफ़ शौहर के हाथों भी बन रही होती हैं, उनकी को स्टार्स के हाथों भी बन रही होती हैं, को स्टार्स भी सबको, यानी पूरा जो बॉलीवुड है बहुत मेस्ड अप है। तो प्रियंका के वो करीब रही, एक्चुअली इसके साथ भी यही हुआ था, सुजैन के साथ, ऋतिक की वाइफ के साथ भी यही हुआ था। ऋतिक ये बीवियाँ जो होती हैं बेवकूफ़ बन जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रियंका जो है वो बीवी के करीब घुसी रही ताकि बीवी को कभी शक ही ना हो कि जो शाहरुख के साथ है वो इस तरीके से। फिर कुछ ऐसा बीच में सिलसिला हुआ कि शाहरुख से ये हटी, क्योंकि उसको ये समझ आ रही थी कि मुझे शाहरुख के साथ वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उसको चाहिए है या जो उसको आगे फ्यूचर का सोच रही, क्योंकि शाहरुख की अपनी लाइफ है और ये वो पब्लिकली उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो वो सब चीज़ें बहुत छुपी छुपी थी। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक और फिल्म आती है, ये कौन से साल की मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से ये 2008 या 2009 की होगी। शाहिद कपूर का ब्रेकअप हुआ था करीना कपूर से, 2007 की फिल्म जब वी मेट के बाद करीना कपूर उसको धोखा देकर सैफ के पास चली गई थी। और खैर शाहिद कपूर ख़ुद भी बहुत आवारा था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन शाहिद ने भी करीना को धोखा दिया था। खैर ये एक अलग उनकी स्टोरी है। फिर प्रियंका और शाहिद जो थे वो इन्होंने फिल्म पे साथ काम करना शुरू किया। दोनों वाटर साइन थे, जाहिर सी बात है दोनों के इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं ऐसे लोगों के। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में यहाँ पर दोनों सिंगल भी थे, दोनों के पास ऐसा कुछ था भी नहीं, तो प्रियंका को वो अटेंशन अच्छी लग रही थी, वो कमिटमेंट अच्छी लग रही थी जो शाहिद प्रोवाइड कर रहा था। शाहिद को ये था कि मुझे अगर करीना नहीं मिल रही तो मुझे प्रियंका मिल रही जो ऑलरेडी एक मिस वर्ल्ड है और इतनी खूबसूरत है। यानी मर्दों को ना हमेशा आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है ना, वो कमी जो है ना, वो कमी वो ख्वाहिश जो है आपकी डिज़ायर बन जाती है, यानी वो ख्वाहिश बन जाती है आपकी लाइफ में। हमेशा ऐसा होता है, गरीब को हमेशा अमीर चीज़ अच्छी लगती है, गोरे को काले इंसान को हमेशा गोरा, छोटे इंसान को हमेशा लंबे लोग अच्छे लगते हैं। यानी वो आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है ना आपको फील होती है, वो डिज़ायर में तब्दील हो जाती है ख्वाहिश के अंदर। तो यहाँ पर शाहिद कपूर को ये लगा कि मुझे एक इतनी हसीन मिस वर्ल्ड मिल जाएगी तो मेरी लाइफ मुकम्मल हो जाएगी और मैं पहचाना जाऊंगा कि मैं, यानी एक अच्छा पैर कहलाया जाएगा। तो उसको यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में ही चला गया और ये पागल तो था, तो ये भी उसके इश्क में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हो गया। अब ये क्या हुआ, मोहतरमा साहिबा यहाँ पर प्रियंका जो थी शाहिद के साथ तो थी, लेकिन इनके कहीं दिल में वो एक होता है ना मैरिड मैन का जो चार्म होता है वो कहीं दबा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था। क्योंकि अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो आप कंगना रनौत से भी देख लीजिए कि वो अभी तक ऋतिक के इश्क से नहीं निकलती हैं, अमिताभ रेखा को देख लीजिए। कुछ होता है मैरिड मैन जो होते हैं ना, उनकी उनका एक अलग चार्म होता है, वो आपको प्रोवाइडर लग रहे होते हैं, वो एक उनकी एक चीज़ होती है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, अल्लाह जाने क्या होती है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। और उसको शाहिद कपूर के साथ वो जो एक ईजी लाइफ थी या वो जो कमिटमेंट थी ना, वो सब उसको बोर कर रहा था शायद। तो उसको क्या हुआ, वो शाहिद के साथ इन्वॉल्व, वो तो हो शाहिद ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, ये निकलने की उसमें निकलना शुरू हुई और ये वापस से जाकर इनके पैरों का डोरमेट बन गई। ये खुद इसने खुद भी बोला हुआ है कि मैं रिलेशनशिप्स में डोरमेट के तौर पर थी, क्योंकि इसने खुद अलाउ किया था ये चीज़। ये जाती हैं और ये दोबारा से फिल्म करती हैं 2010 या 2011 की, ये फिल्म है डॉन टू, डॉन टू में ये चली जाती हैं। वहाँ से तो इनका जो रिलेशनशिप है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था। यानी उस वक्त शाहरुख को भी था कि कुछ तरीके से किसी भी तरीके से, यानी वो भी बिल्कुल वो हो रहा था, यानी उसको समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उसकी वाइफ जो है उसके साथ प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्टर भी है, उसकी बच्चों की माँ भी है और एक उनका एक इमेज भी है। फिर शाहरुख को एक और अपना इमेज भी मेंटेन करने का बहुत शौक है कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ
और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी लाइफ का भी ये पहला पहला यानी शादी के बाद इतना सीरियस टाइप का, अदरवाइज़ ये सारी लड़कियों के साथ तो होते हैं लेकिन आप किसी एक के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं सीरियसली, तो उसको समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। यहाँ पर फिर आती है ये मोहतरमा, इनकी पत्नी, ये इनकी पत्नी आती है और फिर ये डिसाइड करती है कि मैं इस चीज़ को ख़ुद ख़त्म करूँगी, मैं इस चीज़ को ख़ुद तोड़ूंगी। जाहिर सी बात है कोई भी औरत अपने घर को इतने बुरे तरीके से शेक होते हुए जब देखती है तो वो कुछ ना कुछ करती है। एक तो ये चीज़ होती है कि इनको पता होता है कि इनके जो सबके हस्बैंड हैं चालू हैं, दो नंबरी हैं, प्लेयर्स हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल होता है ना कि वो हमें डिवोर्स देने का सोच रहा है या वो रिश्ते को तोड़ने का सोच रहा है, वहाँ पर फिर औरत जो है वो अपना असली जो डाइन होने का रूप होता है वो निकाल कर लेकर आती है। फिर इसने क्या किया, इसने ये क्या नाम है, गौरी खान ने, क्योंकि गौरी खान पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करती है, गौरी खान पूरे बॉलीवुड में चीज़ें ना सिर्फ प्रोड्यूस करती है, यानी आप समझिए जैसे भाई नहीं है फुटपाथ वाला भाई, वो एक्टर एक्ट्रेसेस को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरीके से बॉलीवुड की के अंदर कोई अगर फीमेल भाई है ना इस वक्त, वो शाहरुख खान की बीवी है, वो उसके नाम से उसके हिसाब से बॉलीवुड चलता है, अगर वो उसको किसी का करियर पर बात करना चाहे वो कर दे, वो सब कुछ कर सकती है, उसको शाहरुख की वजह से बहुत ज़्यादा पावर जो है उसके हाथ में, और शाहरुख ने अपने हरामपने करने के लिए बीवी को बहुत सारी पावर दी हुई कि बीवी उसमें खुश रहे, कि वो फिल्म भी प्रोड्यूस कर रही है, उसकी मर्ज़ी से भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो सारी पावर है वो उसने बीवी को दी हुई है, कि बीवी को लगी नहीं कि मैं ये वो हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके हाथ में जो ये पावर थी उस पावर को यूज़ करते हुए प्रियंका सॉरी गौरी खान ने ये डिसाइड किया कि पूरा जो बॉलीवुड है वो बॉयकॉट करेगा, बैन करेगा प्रियंका चोपड़ा को, प्रियंका चोपड़ा फिल्म्स में काम नहीं करेगी, बॉलीवुड की में उसके ऑपोजिट कोई भी एक्टर काम नहीं करेगा। तो प्रियंका चोपड़ा की जो आखिरी फिल्म थी वो बाजीराव मस्तानी थी, 2014-15 में उसकी जो सारी शूटिंग्स थी जितनी भी फिल्म्स की, बाजीराव मस्तानी मेरे ख्याल से 16 में रिलीज़ हुई थी, मुझे याद नहीं है, यानी 2011 से लेकर 14 और 15 तक मेरे ख्याल से प्रियंका के फादर की डेथ कब हुई मुझे याद नहीं है, उस वक्त इनका ब्रेकअप हो चुका था, अगर आप लोग को किसी को याद हो तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उस टाइम पर ना ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि उस वक्त जब शाहरुख भी आया था उसकी डेथ पर, उसके फादर की डेथ पर, और शाहिद कपूर भी आया था, मुझे याद नहीं है पहले वाले टाइम की बात है या दूसरे डॉन की बात, पता नहीं, खैर उस वक्त वो ब्रेकअप जो जो भी चीज़ थी वो हो चुकी थी, अब वहाँ से ये अपने करीब वो देख चुकी थी कि पूरा बॉलीवुड इसको बैंड कर चुका है और इसके पास अब कुछ भी काम नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने इंडस्ट्री में एंट्री मारी, किस तरीके से इसने इंडस्ट्री में एंट्री मारी, ये बनी प्रोड्यूसर, इसने अपने प्रोड्यूसर होने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट किया 2015 से 16 के बीच में स्टार्ट किया और ये प्रोड्यूसर बनकर शुरू हो गई, लेकिन इसने सारी रीजनल लैंग्वेज में फिल्म्स की करवाई सॉरी क्रिएट की हैं जो भी प्रोड्यूस की वो सब फ्लॉप हुई, कोई भी फिल्म बहुत बड़ी नहीं चली। इसके बाद इसको ये तो समझ आ गई थी कि मुझे बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं देगा, लेकिन इसको एक ऑफर आई, वो आई उस बंदे से जिसके साथ इसने फिल्म की थी मुझसे शादी करो 2006 में, 4 में, 6 में शायद, वो था सलमान खान। सलमान खान ने इसको दो फिल्म्स की ऑफ़र दी थी, एक भारत की दी थी और एक सुल्तान की दी थी, सुल्तान के लिए इसने खुद मना कर दिया था क्योंकि इसको काम नहीं करना था इसकी शाहरुख सलमान खान के ऑपोजिट, सलमान खान के ऑपोजिट इसको इसलिए काम नहीं करना था, ये अक्षय और शाहरुख दोनों के बहुत करीब था और अक्षय और शाहरुख दोनों जो थे वो प्रियंका चोपड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, तो ये उनके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहती थी, सलमान खान ये दिखाना चाहता था, और सलमान खान ने इसको ऑफर इसलिए दी थी, बेशक पूरी बॉलीवुड से बैन हुआ हुआ था प्रियंका चोपड़ा का, लेकिन सलमान खान किसी भी बैन या किसी भी बॉयकॉट का हिस्सा नहीं होता अनलेस कि वो खुद इनिशिएट उस बैन या बॉयकॉट को ना करे, फिर तो अगर पूरा बॉलीवुड उसके अगेंस्ट जाएगा तो वो पूरे बॉलीवुड का करियर बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर कोई और ये चीज़ इनिशिएट करता है तो ये अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं उन सबसे बड़ा ऊँचा हूँ, तो वो जाकर लोगों को चीज़ें ऑफर करता है, तो उसने वो चीज़ दिखाने में कि ये शाहरुख की बंदी थी और शाहरुख ने इसको लात मारी है, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे लड़कियों को सेफ करता हूँ, क्योंकि यही एग्जैक्टली यही चीज़ शाहरुख खान ने देवदास के टाइम पर की थी, ऐश्वर्या राय को हायर करके देवदास में अपने अगेंस्ट अपने ऑपोजिट जब इसका ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हुआ था, तो क्या कहते हैं यहाँ पर वो उस चीज़ का बदला ले रहा था, उसने क्या किया इसको फिल्म ऑफर की लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने डिक्लाइन कर दी, फिर प्रियंका चोपड़ा इसकी ईगो को लग गई, फिर इसने खैर इसको भारत दोबारा ऑफर की कटरीना वाले रोल पे, लेकिन इसने तब मना कर दी थी क्योंकि ये निक के साथ जो थी वो इंगेज थी, तो इसको दोनों दफ़ा लात मारी बड़े बुरे तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने, जो एक्चुअली इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर क्या होता है, प्रियंका साहिबा जो है वो भागती हैं
वो भाग कर पहुँचती हैं अमेरिका। अब क्योंकि उसको ये समझ आ गई थी कि बॉलीवुड में मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा, और जब मुझे कोई बॉलीवुड में मुंह नहीं लगाएगा तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, और करियर ख़त्म हो जाएगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी। तो सर्वाइवल के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो इंडिया से भागती है यूएसए। अब ये यूएसए चली गई, अब यूएसए में इनको अपने कदम जमाने थे, शुरू से शुरू करना था, क्योंकि यूएसए की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही खौफनाक है, वो बहुत ही यानी वहाँ पर एक अलग ही टाइप का, नेपोटिज्म नहीं है लेकिन वहाँ पर एक अलग ही टाइप का सिलसिला है, वहाँ पर आप बहुत मुश्किल से अपना नाम और करियर बना सकते हैं। अब उसको ये तो समझ आ गई थी कि इंडस्ट्री में मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा जब तक कि मैं किसी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ या किसी सॉलिड बैकिंग के साथ नहीं आऊँगी। इसने कुछ टाइम अपनी क्या कहते हैं, चली चली चली, फिर गिरी, फिर उठी, फिर चली। डायलॉग याद है ये किसका था, फिल्म का, सुनील शेट्टी का था ना, मैं गिरता था रोज़, फिर चलता था तो फिर उठता था, फिर गिरता था, अंजलि। तो इसके साथ भी यही हुआ, इसको फिर मिला वहाँ पर ओबामाज, ओबामाज के पास ही गई, और ये वहाँ से बनती है एक आंख की मेंबर। इनको मेंबर चाहिए थे, ये मैं पूरी वीडियो कर चुकी हूँ एक आंख वाली प्रियंका की, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन ये वहाँ से इसको एक बैकिंग मिलती है और ये जाती है इंडस्ट्री के अंदर, ये घुसना शुरू होती है। फिर अब इसको क्या था, शुरू से इसने शुरू करना था तो इसको एक ईगो इशू हो गया था, इसने उनको ये दिखाना था बॉलीवुड को कि मैं अमेरिका के अंदर आकर, जो कि आज तक कोई भी बॉलीवुड का एक्टर अमेरिकन हॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा कोई नाम नहीं बना सका, सब सबने आकर छोटे मोटे रोल्स किए हैं, कुछ ना कुछ किया है लेकिन बकायदा तौर पर चीज़ें नहीं की हैं लीड के तौर पर, अगर की भी तो बहुत ही थर्ड क्लास, बी क्लास, बी ग्रेड टाइप की फिल्म्स, या बहुत ही फ्लॉपरिंग फिल्म में काम किया है। ऐश्वर्या ने भी काम किया है, ऐसे तो इरफान खान ने भी काम किया है, लेकिन वो फिल्म्स या वो चीज़ें उस तरीके से नहीं थी, या वो फेम या नाम ऐसा नहीं था। अब प्रियंका को क्या था, प्रियंका को यहाँ पर अपने कदम जमाने के लिए इसने, ये जो मैं पूरी वीडियो कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, इसने यहाँ पर एग्जैक्टली वही फार्मूला अपनाने की कोशिश की जो इसने बॉलीवुड में कराया किया था। वो ये था कि बड़े एक्टर्स को पकड़ो और उनके थ्रू अंदर इंडस्ट्री में घुसो तो जो है आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे। अब इन्होंने एक इंसान को डेट करना शुरू किया, टॉम हार्डी को, ठीक है, वो हट गया, उसको पसंद नहीं आई प्रियंका, बहुत ही छोटा सा उनका रहा ये, इसने देखा मैं यहाँ पर भी फेल हो गई। फिर ये जाती हैं, ये मिलती हैं ये जो क्या नाम है इसका, टॉम, दूसरे टॉम के साथ, एक टॉम फिर दूसरा टॉम, टॉम ये जो आपका लोकी, ठीक है, ये इसके साथ मिलती हैं। ये दोनों ने लिटरली एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक डेट भी किया है, लेकिन इनका जो था वो सब कुछ था, ये बंदा बहुत खुदावारा टाइप का, इसको पसंद, इसको कुछ ही टाइम के लिए चाहिए था, दिल हट गया, भर गया, फिर ये यहाँ से निकल गई। जब ये यहाँ से निकली, इनको एक और बंदा चाहिए था जिसकी ये बहुत पीछे लगी रही, काफ़ी टाइम तक ये लगी रही दो लोगों के पीछे, एक रॉक के पीछे, क्योंकि रॉक बहुत बड़ा नाम है, और रॉक एक आंख वाले ग्रुप का, वो भी एक जूनियर टेबल के अंदर वो आता है रॉक, उसकी शक्ल देख के लगता नहीं होगा जूनियर टेबल का होगा। खैर, वो और एक और जो है टाइटैनिक वाला हीरो, दोनों, क्योंकि ये टाइटैनिक, ये एक्चुअली जो असल में पीछे थी वो टाइटैनिक वाले हीरो के पीछे थी, वो बहुत बड़ा नाम है टाइटैनिक का हीरो, अगर आप उसको, आप उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ लंबे, वो उसका एक अलग ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उसका क्या है, वो मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो है लेकिन उसका जो मून है राइजिंग वो लिब्रा में, लिब्रा के लड़के बहुत बेगैर आवारा तरीन होते हैं, इनफैक्ट किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर लिब्रा है लड़कों के तो उनसे दूर भागिए प्लीज़। तो क्या कहते हैं वो उसके पीछे ये गई, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो छोटी लड़कियों का, प्रियंका जो है काफ़ी बड़ी थी एज में जब वो हॉलीवुड के अंदर भी गई थी, उसने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई, उसने बहुत कोशिश की, उसको बहुत चेस करने की, हर तरीके से कोशिश की, किसी तरह किसी तरह किसी तरह किसी तरह वो सिलसिला उसका हुआ ही नहीं, तो उसको मिला नहीं। अगर वो मिल जाता तो उससे वो एक अलग तरीके का पीआर या नाम क्रिएट होता, लेकिन वो एक अलग बात है कि जो टाइटैनिक वाला लड़का है आदमी बुड्ढा, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को वो नहीं देता, फेम नहीं देता है, या वो उनको स्पॉटलाइट नहीं देता है, उसकी आती जाती हैं आती जाती, क्योंकि वो बहुत, उसका साल में दो दो लड़कियां चेंज करता है, वो 6-6 महीने की रिलेशनशिप्स रखता है, तो उसको वो भी नहीं मिला। फिर वो चाह रही थी कि उसको रॉक के साथ मिले, लेकिन रॉक जो है वो एक अलग तरीके का है, वो जिस पत्थर पे उसने सर फोड़ा उसको उधर से भी घूमड़ा मिला और कुछ नहीं मिला, तो वो एक अलग ब्रूज मिला। फिर उसका क्या हुआ, अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं बॉलीवुड में, सॉरी हॉलीवुड में किस तरीके से कदम जमाऊँ, ये रोना धोना शुरू हो गई वहाँ पर। इसको एक पता नहीं कौन, मेरे ख्याल से किसी मैगज़ीन की एडिटर थी, पता नहीं कौन थी, उसने कहा कि ये एक लड़का है जिसको हम लोग जानते हैं, ये बहुत डेस्परेट है अपने करियर को मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि ये लड़का जो है ये सिंगर है, लेकिन इस, क्योंकि हर सिंगर सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के जहन में ये तीनों भाई जो हैं बहुत सक्सेसफुल होंगे और ये रू फलाना ढिमकाना है, लेकिन इनका जो करियर था बहुत ज़्यादा डिक्लाइन बड़े बुरे तरीके से हो रहा था, और ये बहुत नीचे जा रहे थे और बहुत ही बर्बाद करियर था इसका,
तो वो करियर जो था ख़त्म होने वाला था, वो करियर चला जाता अगर उस करियर को वो पुश नहीं मिलती, उसके पास पैसे भी नहीं थे उस तरीके से जो पैसे उसको चाहिए थे, उसको फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे लड़के को। अब क्या हुआ, वो डेस्परेट होना शुरू हो गया, तो वो भी डेस्परेट था, प्रियंका भी डेस्परेट थी। दो डेस्परेट लोगों ने एक अटैम्प्ट किया, वो था डेट करने का अटैम्प्ट। अब क्या हुआ, यहाँ से इन दोनों की का डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। ये एकांत वालों की जूनियर मेंबर थी, ये उसका प्लस वन बनने को तैयार था। इसको ये था कि कुछ भी है, सिंगर है, लेकिन इतना थर्ड क्लास सिंगर भी नहीं है, यानी नाम के हिसाब से, फेम के हिसाब से, कि मैं अगर इसके साथ जुड़ूंगी तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर निक को ये था कि अगर मैं हॉलीवुड से निकल भी गया, उड़ भी गया, तो मैं एटलीस्ट बॉलीवुड के अंदर मेरा नाम रहेगा, और इंडियन ऑडियंस बहुत बड़ी ऑडियंस है, जैसे हॉलीवुड की बहुत बड़ी ऑडियंस है, इसी तरह इंडियन और पाकिस्तानी बंगाली, ये तीन बहुत बड़ा साइजेबल ऑडियंस हैं, तो मैं उधर हिट हो जाऊँगा, उस तरीके से हिट हो जाऊँगा, या मुझे पुश मिलेगा इस तरीके से मेरे करियर को, तो मेरे करियर में लोग मुझे नोटिस करने लगेंगे। अब जब ये दोनों कपल बनना शुरू हुए, ये एक बिजनेस कपल बनना क्रिएट होना शुरू हुए, तो इनको फाइनेंसेस मिलना शुरू हो गए दोनों तरफ से एकदम से, कि भाई वो बॉलीवुड और वो हॉलीवुड और दोनों ये और वो एकदम से। अब ये ऑलरेडी एक आँख के मेंबर भी थे, अब इन लोगों ने सिग्नेचर्स भी किए, साइन भी किए कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, इनको फाइनेंसेस का जो एक क्या कहते हैं एक टोकरी थी वो मिल गई, पैसों की पुंडकली मिल गई, और इन लोगों ने पीआर पे जम के पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इतना पीआर है इनका कि प्रियंका चोपड़ा की अब अगर आप हॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी एक्स वाई जेड को ढूंढने की कोशिश करें, वो आपको नहीं मिलेगा। हॉलीवुड में सिर्फ प्रियंका का आपको अगर कुछ भी गूगल पे दिखेगा, वो दिखेगा सिर्फ निक से रिलेटेड दिखेगा, और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। हर चीज़ गायब हो चुकी है, हर चीज़ हटा दी गई है, क्योंकि जो गूगल है वो खुद एक आँख के अंदर है, तो ये क्योंकि जूनियर मेंबर हैं तो उनको सुविधा है कि वो अपनी इन चीज़ों को रिमूव करवा सकती हैं। अच्छा, अब ये निक के साथ रिलेशनशिप में चली गई। अब निक का जो एक और बहुत बड़ा इशू था वो ये था कि वो रिलेशनशिप में एक लड़की के साथ आ तो गए, लेकिन इनको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, इनको जो इंटरेस्ट था वो इनको इंटरेस्ट किस चीज़ में था, वो आप कहाँ गए, कहाँ गए निक भाई, ये रहे। इनका जो इंटरेस्ट था वो दूसरे टाइप का इंटरेस्ट था, वो जो थे उनका जो सारा इंटरेस्ट था वो गे होने का था। अब ये गे थे, अब कहने को हॉलीवुड में ना इशू नहीं होता, आप क्लोजेट से बाहर ज़रूर निकल कर आ सकते हैं, आपके लिए आसानी है, आप निकल कर आ जाएं, लेकिन क्या होता है उसके बाद जो आपकी ऑडियंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आज भी इतनी बड़ी मूवमेंट जो चलती है LGBTQ की, उसके बावजूद भी 5 से 6% सिर्फ लोग हैं जो LGBTQ के हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट, ये लगती बहुत बड़ी है ना सुनने में हर वक्त, के पूरी दुनिया में सबको लगता होगा अरे भाई LGBTQ के बहुत लोग होंगे, बहुत लोग बहुत कम है उस कम्युनिटी के, मूवमेंट बहुत बड़ी है। वो मूवमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्रमोट की जाती है, उसको प्रमोट ऐसे करवाया जाता है, वो चाहते हैं कि लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं ना उनके दिल टूट जाते हैं, और वो आपको इमेजिन नहीं कर पाती इस तरीके से, तो वो पीछे हट जाती हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग बेसिकली जो होती है वो औरतों की होती है, लड़कियां या फिर बड़ी उम्र की औरतें वही होती हैं जो इमेजिनेशन में जाती हैं, ड्रीम्स में जाती हैं अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ के ये और वो, तो वो क्रिएट करती हैं वो सारी चीज़ें। तो वो वही चीज़, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और जब ये सबको दिखने लगेगा कि ये लड़का गे है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो उसका करियर ऑलरेडी ख़त्म था, होने वाला था, तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो चला जाएगा। तो उसकी उसको लाइफ में जो 2-4 gig भी मिलने हैं कॉन्सर्ट्स के, म्यूजिक्स के, गानों के, वो भी नहीं मिलेंगे। तो वो जितने भी लोग निकल कर आते हैं क्लोज़ेट से बाहर, उनका आप देखें करियर में ना एक अच्छा खासा नीचे जाता है ग्राफ, उनको फिल्म्स नहीं मिलती क्योंकि लोग उनको देखना नहीं पसंद करते हैं लड़कियाँ, क्योंकि मेन जो ऑडियंस होती है आपकी वो फीमेल होती है, इसलिए आप देखें हमेशा मर्द ज़्यादा फेमस हो जाते हैं क्योंकि उनको लड़कियाँ करती हैं, आप हमें ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है उससे, तो वो यही वजह है। अब वो उस चीज़ को करना नहीं चाहता था, फिर उसको यही पता था कि मैं अगर ऐसी रहा तो यहाँ पर बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या हुआ, प्रियंका ये इसकी एक लिस्ट रही है, इसने ऊपर नीचे लड़कियों को डेट किया है जो पब्लिक पीआर जो पीआर वाले होते हैं वो करते हैं, पीआर का एक टेक क्या होता है जो भी होता है, समझ गए आप लोग, है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, ये इसने सलीना को भी किया था, जिससे ये सवाल एक्चुअली पूछा भी गया था कि निक जो है वो गे हैं कि नहीं है, तो सलीना ने कहा था बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको डेट किया है। तो वो जो थी वो बाकायदा तौर पर झूठ था जो बोला गया था, जाहिर सी बात है सलीना कभी ये एडमिट नहीं करेगी मैंने किसी गे को डेट किया है। अब ये इसने उसको डेट सिर्फ इसलिए किया था कि दोनों मेरे ख्याल से एक चाइल्ड टेलीविज़न, कौन सा टेलीविज़न था उसमें साथ थे ये लोग,
साथ काम किया था, तो वो जानबूझ के ऐसे कपल्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि वो रहे। और फिर सेलिना का हमेशा रहा भी सिंगर्स के साथ ही है, तो वो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ थी। अब ये थे, ठीक है। अब इन दोनों की शादी हो गई, यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा और क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, निक, दोनों की शादी हो गई। अब दोनों की शादी हो गई तो ये इन्होंने शादी आकर धूमधाम से इंडिया के अंदर की। प्रियंका का जो मेन रीज़न था इंडिया में करने का, वो इंडियंस को ये दिखाने का, इंडियंस नहीं बॉलीवुड को ये दिखाने का कि देखो मैंने सिर्फ ना जाकर अमेरिका में कदम जमाए, बल्कि मैं अमेरिका से एक बहुत बड़ा नाम लेकर आई हूँ अपने साथ। इसने पहले निक को डेट करना शुरू किया और फिर वो पैसा लगाकर जो उसने पीआर क्रिएट की कि एकदम से लोगों को निक जो है माइकल जैक्सन लगने लगी हैं, यानी फेम के हिसाब से पूरी दुनिया कहने लगी अरे निक बहुत बड़ा है ना। निक को कौन याद रखा हुआ था किसी ने? निक कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं था, वो एक अलग बात है, हॉलीवुड से जुड़ा हुआ ज़रूर था लेकिन कोई इतना कोई फेमस नहीं था। मुझे तो कोई गाने भी नहीं पता इसके, तो जो भी है यानी एक एक नाम बन गया। तो जब वो बॉलीवुड में इंडिया में भी आया तो लोगों को लगा अरे जमाई आया है, बाहर से आ रहा है जमाई और इतना बड़ा सिंगर है, तो वो क्रिएट किया गया था। जैसे जब सलमान ने कटरीना से शादी करनी थी, जब उसको लेकर आना था, जानबूझ के उसको उसने क्रिएट करवाया था उसका नाम, कि कटरीना लगे कि वो बहुत हसीन खूबसूरत को बड़ी चीज़ है। आप क्रिएट करवाते हैं वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है, आप चाहते हैं कि आपका नाम इस तरीके से जोड़ा जोड़ा जाए। तो प्रियंका चोपड़ा को ये दिखाना था बॉलीवुड को कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी जो बॉलीवुड की शाहरुख और अक्षय कुमार और एक्स वाई जेड हैं ये उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, मैं हॉलीवुड से इंसान पकड़ कर लेकर आई हूँ, बहुत बड़ा इंसान पकड़ कर लेकर आई हूँ, वो उम्र में मुझसे छोटा भी है और वो बहुत मुझसे प्यार भी करता है। जो सारा इनका फेक पीडीए दिखने को मिलता है ना कि ये वो और वो और ये बीवी की तस्वीरें खींच रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सब फेक चीज़ें। इन दोनों के रिलेशनशिप इंतहाई फेक रिलेशनशिप, अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखना शुरू करें, जो कि आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं नोटिस कर पाएंगे, इसकी जो निक की बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे तरीके से बताती है। इवन जब वो मुस्कुरा भी रहा होता है, खुश भी होता है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर सकते हैं कि कभी भी कभी भी कभी भी वो उसके साथ उस तरीके से है ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक आपका इंटरेस्ट ही दूसरे तरीके से है, दूसरे तरह के लोगों में, तो आप एक औरत के साथ नॉर्मल नहीं हो सकते हैं और निक नहीं हो पा रहा, तो वो एक अलग चीज़ है। अब इसी वजह से यहाँ पर जो इनकी बच्ची हुई जो हुई उसका रीज़न ही यही था कि वो इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन यूज़ ही नहीं कर सकते थे। मेजॉरिटी जो गे होते हैं वो इसी ऑप्शन को लेकर चलते हैं आगे, वो रीज़न ही यही होता है क्योंकि उनको जो नॉर्मल तरीका होता है उसके साथ करना ही नहीं है कुछ भी, वो कर ही नहीं सकते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं। तो जब जाहिर सी बात है उसका प्रियंका के साथ उस तरीके से इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो रिलेशनशिप है ही नहीं, तो नॉर्मल तरीके से तो बच्चा होना ही नहीं था, तो इसी तरीके से होना था, उसी तरीके से हुई बच्ची। अब वो बच्ची हो गई, अब दुनिया को दिखाने के लिए दोनों मियाँ बीवी भी हैं और सब कुछ हैं और ये बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं, ये इसके साथ इंडिया भी आता जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सिर्फ 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 एक ही एक ड्रामेबाजी दिखा हुआ है। इनके बीच में एक और बहुत बड़ा इशू है दोनों के बीच में, वो ये इशू, अच्छा एक और चीज़ आप एक मिनट रुकिए मैं पहले बताती हूँ इनके बीच में कहाँ इशू है, कहाँ गया वो इशू। जो एक और बहुत बड़ा इशू है प्रियंका की लाइफ के अंदर, प्रियंका बहुत हैवी, जिसे लोग बहुत चेन स्मोकर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है और ये काफ़ी हद तक करती है कि ख़ुद को बर्बाद करने वाली हद तक ही पीती है। तो एक तो इस चीज़ से भी यहाँ पर निक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक ऐसी औरत माँ बन ही नहीं सकती, अच्छी माँ बन भी नहीं सकती, लेकिन ये कि वो अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं। इनके बीच में ये भी एक्चुअली डिसाइडेड था, प्रियंका ने ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि शायद 2 साल के अंदर इनका जब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया था वो 2 से शायद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि उसके बाद ये दोनों अपने अपने रिश्तों में अलग अलग हो जाएंगे। अब इन्होंने क्यों नहीं डिवोर्स दी, उसका रीज़न ये है कि वो इस चीज़ से दोनों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रियंका अगर इस टाइम पर डिवोर्स देकर हट जाती तो दोबारा से वो चीज़ उसको ख़त्म हो जाएगी, उसको वो जो एक इमेज है ना, वो जो पीडीए और हर जगह और हॉलीवुड और बॉलीवुड में जा जाकर दिखा रही होती कि देखो हम बड़े अच्छे रिलेशनशिप में, और ये जब भी इंडिया जाती है तो इसको लोग देख रहे होते हैं, और ये अब अभी अंबानी की शादी में या इससे पहले जब भी आती है तो ये एक बंदे के साथ आती है, तो इसको ना एक इशू है, वो कॉन्फिडेंस का इशू है कि मैं अब अकेले कभी भी नहीं जाऊँगी, अगर मैं अकेले गई तो लोग थू पाएंगे। और अब ये डिवोर्स भी इसलिए नहीं जाती है कि लोगों को फिर ये लगेगा कि ये घर रिश्ता नहीं चला सकी, इसने छोड़ दिया। फिर एक और जो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि इनके बीच में एज गैप है, कितने 11-12 साल का शायद, कि देखा वो छोटा से लड़का था उसने आंटी से शादी कर ली, आज उसने छोड़ दिया, वो शादी कभी चलनी नहीं थी, तो अब उसको ये भी इशू हो गया। तो अब ये उस चीज़ को लेकर और पुश करके रखा हुआ, वरना ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 साल में मैरिज जो थी वो डिसॉल्व कर देते। लेकिन जब वो इनकी शादी के ऊपर इतना बड़ा न्यूज़ बन गई कि वो एज को लेकर इंडिया में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई थी,
तो इसको एक और ये चीज़ लगी कि अगर मैं मेरी डिवोर्स हो गई तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी कि क्या कहते हैं, बच्चा आंटी को छोड़कर भाग गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आप इनकी अगर इंडियन जो भी इसकी हैं, आप इंडिया में ही जब भी होती है आप देखिए हमेशा ये दिखा रही होती कि मैं पत्नी हूँ, ये हमेशा ये चीज़ दिखा रही होती कि मैं पत्नी हूँ, मैं बीवी हूँ, ये चीज़ यहाँ पर दिखा रही होती है। ये इसको एक चीज़ दिखानी है क्योंकि उसको उन सबके मुंह चुप कराने हैं जिन्होंने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया। एक्चुअली जो फिल्म थी फैशन फिल्म, अगर आपको उसकी स्टोरी पता होगी तो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रियंका के साथ वही हुआ है जो उसके साथ उसकी फिल्म में होता है कि वो एक स्ट्रगलर होती है, फिर वहाँ से उसको एक बंदा देख लेता है, उसके चेहरे को पसंद करता है, पोर्टफोलियो तैयार होता है, वो मॉडल बन जाती है, मॉडल से एक मैरिड बंदा होता है अरबाज़ खान उसकी लाइफ में आ जाती है, फिर अरबाज़ खान के साथ उसका बेबी होने वाला होता है, फिर वो मिसकैरेज करवाती है, उसकी वाइफ जो है उसका करियर बर्बाद करती है, तो उसको मॉडलिंग की जो पूरी इंडस्ट्री होती है वो बॉयकॉट कर देती है, फिर वो डिप्रेशन की फेज़ में जाती है और फिर वो वहाँ से उठ के निकल कर आती है और वो इंटरनेशनल मॉडल बन जाती है। तो लिटरली यहाँ पर जो हकीकत में प्रियंका की लाइफ की स्टोरी है वो फैशन फिल्म से रिलेटेड है बिल्कुल ऐसा, यानी पता नहीं कौन सा फोर शेडो था ये उसकी लाइफ का, लेकिन जो उसकी पूरी फिल्म है लाइफ है वो इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब ये इस चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहती, इस इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहती, इवन अभी भी यहाँ इंडिया आती जाती है तो ये फिल्म, ये तो आप देख रहे हैं, ये जब ये कौन था इनका अंबानी, इसका कौन सा सेंटर है वो जो खुला है, ये उसकी शायद उसके टाइम की है ये, तो यहाँ पर करण जौहर जो है ये इनसे मिल भी रहे हैं, गले वले सब कुछ, लेकिन करण जौहर ने एक्चुअली गौरी खान के साथ मिलकर इसको इंडस्ट्री से निकाला था क्योंकि करण और गौरी जो हैं ये बहुत करीब के लोग हैं और करण और गौरी बहुत साथ में काम करते हैं हर चीज़ में, तो ये जो दोनों नहीं होती मोहल्ले की फूफियाँ, दोनों ने मिलकर सबके करियर्स को बनाया और बिगाड़ा है, तो गौरी और इन दोनों ने मिलकर ही यहाँ पर प्रियंका के करियर को बर्बाद किया था। रिसेंटली अभी जब अंबानी का जो पहला वाला प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी उसके बाद मैंने अपने पुराने इंस्टाग्राम पे तो शेयर की थी और मैंने उस पर शायद कमेंट भी लिखा था कि एक पोस्ट डाली थी करण जौहर ने बड़ी टूटी फूटी और एक किसी को रोस्ट कर रहा था कि पता नहीं इतने बोटॉक्स लगाकर भी तुम बुढ़ी रहोगी, कुछ ऐसा था मुझे भी याद नहीं है, वो उसकी इंस्टा स्टोरी थी, तो मैंने उस पर लिखा था ये उसने प्रियंका के लिए डाली थी, तो उसको प्रियंका से बहुत ज़्यादा नफरत और चिढ़ भी है। अब क्या होता है, अब बॉलीवुड वालों को चाहिए होती है प्रियंका चोपड़ा काम करने के लिए, जैसे डॉन जो फिल्म आ रही थी, डॉन 3 आ रही थी, तो जो वो नहीं है फटी हुई आवाज़ वाला, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो है ना एक फटी हुई आवाज़ वाला, क्या है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डॉन का, उसने भी शाहरुख के ऊपर प्रियंका को प्रेफर किया, उसने ये कहा कि बेशक मुझे कोई दूसरा डॉन लेना पड़ जाए लेकिन प्रियंका को लूँगा, प्रियंका नाम बड़ा है, अब वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम हो चुकी है इस वक्त, और अब उसको हर कोई इंडिया में अप्रोच कर रहा है फिल्म करने के लिए, लेकिन अब प्रियंका इंडस्ट्री में वापस नहीं आना चाहती, आएगी एक दो फिल्म्स करेगी लेकिन वो फिल्म्स अब करना नहीं चाहती, वो इंडस्ट्री को ये दिखाना चाहती है कि मैं अपने तौर पर मुकम्मल हूँ और मुझे तुम लोगों ने निकाला लेकिन मैंने अपना करियर बना लिया और मैंने अपनी लाइफ बना ली और मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे बाहर से मिल सकता था, और इसने वहाँ पर भी शुरू से शुरू किया, बस ये उसने जो मेन काम किया वो उसको ये पता था कि इंडस्ट्री में घुसना किस तरीके से, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग चीज़ पे हाथ मारा, और जाहिर सी बात है कि ये एक आंख वाले ग्रुप में ऐसी तो नहीं गई, इसने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की होंगी, और वो ये नहीं अपने जिस्म से रिलेटेड नहीं अपने देश से रिलेटेड, आप ऐसी जगहों में जब जाते हैं तो आप बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो इसने बहुत बड़े चंक में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की होंगी, यहाँ पर आप नॉर्मली बहुत कुछ करते हैं जब आप इस जगह का मेंबर बनते हैं, तो इसने इसको जो ओन किया है इस वक्त अमेरिका ने वो एमी ने ओन किया है, इसको इतनी बड़ी बैकिंग के साथ किया, लेकिन ये हॉलीवुड में भी सफ़र कर रही है, ये हॉलीवुड में किस तरीके से सफ़र कर रही है कि हॉलीवुड वाले इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसको हॉलीवुड वाले चाहिए नहीं, अभी बल्गारी का एक पता नहीं कौन सा था जिसमें ये गई थी, तो एना हैथवे थी और लीजा थी ब्लैक पिंक की शायद, तो वो दोनों जिस तरीके, और वो क्या नाम है दूसरा स्पाइडरमैन की जो गर्लफ्रेंड है, ये तीन थी और साथ में प्रियंका चोपड़ा थी, तो वो तीनों एक तरफ और प्रियंका को इन्होंने कॉर्नर में किया था, प्रियंका अभी भी लेफ्ट आउट है इंडस्ट्री में, उसको लोग पूछते नहीं है, हॉलीवुड में भी देखते नहीं है, इसको कोई भी बुलाता नहीं है, ये जो भी कुछ करती है ये सिर्फ अपनी पीआर दिखाने के लिए कर रही होती है, और ये बहुत बेकार तरीके का प्रोजेक्ट्स कर रही है, काम कर रही है, बस सिर्फ इसकी पीआर बहुत स्ट्रांग है, ये सारा का सारा पैसा पीआर में लगाती है हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के लिए, एक हॉलीवुड में नॉर्मली आप हर अपना ही सारा इन्वेस्ट करते हैं, आपकी बॉडीगार्ड सिक्योरिटी पीआर जो सारा होता है वो स्टार का अपना पैसा होता है,
तो जो सेलिब्रिटी होते हैं ये सारा का सारा जो खर्च करती है ये सिर्फ अपनी पीआर को बना कर करती है कि लोगों को ये लगे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और बेशक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप न्यूज़ में तो आप सेलिब्रिटी हैं। किम कर्दाशियन को देख लें, उन लोगों ने क्या किया है, कर्दाशियंस ने या जेनर्स ने, उन्होंने किया क्या है। पीआर ऐसी ना, हर वक्त इन रहेंगे आप न्यूज़ में तो आप सेलिब्रिटी रहेंगे, फेमस रहेंगे। एक्टर या सिंगर या एंटरटेनमेंट में भी होना ज़रूरी नहीं है, बस आप पैसा फेंकते रहें तो आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। अगर आप में से भी कोई चाहे ना, आपके पास हो लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए, तो आप किसी प्यारे कंपनी को हायर कीजिए और वो आपको सेलिब्रिटी रातों रात बना देंगे। आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं कि आप किस वजह से फेमस हैं, बस बट आप फेमस हैं। तो इसने हॉलीवुड में यही काम किया है कि वहाँ पर जाकर इतने बड़े प्राइस टैग के साथ, जो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ का पीआर, उसको उसने किया। वो जो भी कुछ करती है वो सारा जो उसको फाइनेंसेस मिलते हैं और जो उसको एक आंख की तरफ से मिलता है, बस ये बनी हुई अभी उनकी एजेंडा पे काम करती है। जो आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ों को करती भी है, बोलती भी क्या है, क्या करती है, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रियंका आंटी का जो असल में सिलसिला है वो क्या है। तो ये इनकी जो पूरी स्टोरी थी यहाँ पर, ये डेस्परेट अटेम्प्ट था दोनों ही की तरफ से। एक्चुअली उसको बॉलीवुड को दिखाना था कि मैं वहाँ पर भी जाकर कुछ कर सकती हूँ, मुझे अगर बॉलीवुड से निकाल रहे हैं तो क्या वो मैं हॉलीवुड में चली जाऊँगी और मैं वहाँ किसी बड़े से शादी कर लूँगी। तो उसने, जब उसको कोई बड़ा नहीं मिला तो उसने निक को बड़ा बनाया और निक से इसने शादी कर ली। और इसने इतना बड़ा नाम बना लिया कि अब लिटरली बॉलीवुड उसको कह रहा है कि तुम वापस आओ, हमारे साथ काम करो। वही बॉलीवुड जो एक्चुअली इससे कह रहा था कि हम तुम्हें काम भी नहीं देंगे। तो वो ये उसने वो चीज़ अपने अपने हाथ से टर्न ज़रूर की है, लेकिन जो उसने कीमत अदा की है ना, वो अपने अपने आप को तो छोड़े, लेकिन उसने बहुत बड़े तरीके से आपका जो अपना जाती देश है इंडिया, उसकी भी उसने बलि चढ़ाई है। तो आप ऐसे किसी भी चीज़ में, आपको फालतू में कहते हैं ना, कोई भी जो लंच होता है वो फ्री का नहीं होता है, हर चीज़ की कीमत होती है। तो उसने वो सारी कीमत निकाल कर, अब आप लोग यहाँ पर ये मत उसको तालियाँ बजा कर कहना कि जो भी है उसने अपने आप पर सब कुछ किया है और ये और वो लड़की ये वो, नहीं। आप जाकर आप भी बेच लें कुछ अपने देश का, तो आपको भी इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत आसान होता है, ये ट्रेडिंग का गेम होता है। अगर आपको के पास कोई सॉलिड चीज़ है तो आप कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके पास बहुत कुछ था। इसने सिर्फ इंडिया के अंदर एक्टर्स को डेट नहीं किया है, इसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस मुगल्स, उनके परिवारों में घुस घुस के लोगों को डेट किया है। ये जो बड़े बड़े आप लोगों के अवार्ड्स होते हैं, इसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये किसी भी लड़की को पकड़ते हैं और जो भी उन्होंने करना होता है करते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ लड़कियाँ भी जो होती हैं, ये सारी इन्हीं के साथ होती हैं। जब भी तो आप देखें, बाद में पता चलता है शादियाँ भी इसी किसी टाइप के अमीर बंदे से करके बैठ जाती हैं। तो जब आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन किसी भी लेवल पर बेच सकते हैं। इसने जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के भी बहुत सारे लोगों के साथ ये रही होगी, बहुत कुछ किया होगा, तो इसके पास बहुत अच्छा चंक होगा इन्फॉर्मेशन का। अब इसकी लाइफ कुछ भी नहीं है, अब इसको जो इज्जत बॉलीवुड नहीं दे रहा था उस वक्त, अब इसकी अम्मी को इज्जत मिलती है। इसकी अम्मी हर जगह इन्वाइटेड होती हैं, इसकी जो अम्मी हैं वो जा रही होती हैं सारी जगहों पर, हर किसी की उसमें ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमें कोई इशू नहीं है बॉलीवुड से और हम लोग सब कूल हैं, सब कुछ सही है। तो इसकी अम्मी पूरे बॉलीवुड के हर फंक्शन में हर जगह जाती आती हैं, बेटी नहीं आती, बेटी सवाए अंबानी इसके और मेरे ख्याल से किसी की भी उसमें नहीं गई थी, वो अपना लगी हुई। और वो जब भी आती हैं तो वो अपने साथ इस कन खजूरे को लेकर आती हैं और ये अपने सड़े हुए मुंह के साथ ये पूरी कोशिश करता है दिखाने की कि मैं एक बहुत अच्छा पति हूँ, क्योंकि इसकी एक अपनी लाइफ है, इसको पता है कि ये अपनी कीमत उतार रहा है, इसको अपना वो करियर बचाना है, उसको एक फेम में रहना है, तो उसको फ्री में मिला हुआ है। तो जहाँ पर सलमान की वो उस बहन के साथ वो बंदा शादी कर सकता है, तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं अपने करियर को निभाने के लिए। और कुर्बानी से मुझे याद आया, मेरे क्लोज़ेट है, अगर आप लोगों को पता होगा, वो बहुत फेमस तरीन इंसान है मेरा जो क्लोज़ेट है, उसने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई। और एक्चुअली उसका मैंने हाईलाइट में नाम भी डाला हुआ है ऐसी इंस्टाग्राम पर, तो मैं उसकी भी रिलेशनशिप पर बात करूँगी, बताऊँगी। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, और ये पीडीए भी जो एक और चीज़ देखिएगा, आप लोग गूगल कीजिए इनकी इमेजेस निक, और इनके इनकी जितनी भी केसेस हैं ना, वो क्या होती हैं, इतनी फेक है ना, यानी सिर्फ नहीं होते, बस होठ से होठ छुए ख़त्म, बस कुछ भी नहीं, जाहिर है। आप क्या करेंगे, आप नहीं करेंगे कुछ, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका जब इंटरेस्ट ही मर्दों में है तो आप एक औरत के तो वैसे भी करीब नहीं जाएंगे। तो ये इनकी इसकी पूरी स्टोरी थी, और ये रीज़न ये था यहाँ से शुरू करने का इसके करियर से, कि आपको प्रियंका का पैटर्न समझ आए और आपको ये समझ आए कि प्रियंका हॉलीवुड में क्यों गई और उसने निक से शादी क्यों की। अगर मैं खाली निक और उसकी शादी का बता देती ना आप लोगों को कि ये रीज़न है और वो गे है
और इसने ये शादी सिर्फ दुनिया के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए की, बॉलीवुड की, सॉरी, तो आपको नहीं समझ आती। तो मैंने शुरू से शुरू सिर्फ इसलिए किया, मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत मुझे खुशी होगी कि अगर ये आपने पूरी आखिर तक सुनी है। ये रीज़न क्योंकि मैं नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ पे बात नहीं करती, लेकिन अब मैं शुरू करूँगी सेलिब्रिटीज़ की। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पब्लिकली या इवन कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेंगी। मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिट ये है कि एक तो मैं जिस जगह पर हूँ वो भी, और दूसरा ये कि मैं इन इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा भी रही हूँ, किस तरीके से फाइनेंशियर्स के तौर पर। तो वो मैं अपने ऊपर तो बाद में कभी बात करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सबकी ए टू जेड कच्चे चट्टे सब पता है, उनके कच्चे में कितने चट्टे हैं मुझे सब पता है कि ए टू जेड चीज़ें, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं। मेरे जो दादा थे या मेरे पिता थे या इवन मैं खुद भी पहले साइलेंट पार्टनर थी, अब मैं डेट पार्टनर हूँ, तो हम फाइनेंस करते हैं चीज़ों को। तो जब आप फाइनेंसियर होते हैं या फाइनेंसर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता होती हैं। इनफैक्ट कि मेरा अपना, अच्छा चलिए छोड़ो, मेरे साथ अपने ऊपर अभी बात नहीं कर रही, तो जब मैं करूँगी फिर आपको समझ आएगी। तो मुझे वैसे भी ए टू जेड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जितना आप अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ना हर इंसान की करने के पीछे ना उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, वो समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि प्रियंका का थॉट प्रोसेस क्या था और ये सब चीज़ें हुई क्यों, यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसा क्या हुआ कि उसने आखिर में ये कोशिश ये सोचा कि मैं इस बंदे के साथ सेटल डाउन हो जाऊँ। हालांकि इसको कोई भी मिल सकता था, इसको कोई बहुत अमीर तरीन इंडिया के अंदर कोई बहुत रईस ज़्यादा भी मिल सकता था, जैसे जूही चावला ने किया या बहुत ये सब करती हैं सोनम कपूर वगैरह, किसी भी अमीर बंदे से हाथ मारा, उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी बनकर और शादी करके एक लाइफ गुजारने लगती। लेकिन प्रियंका को ये दिखाना था कि मैं एक फेमस बंदे से ही शादी करूँगी और बहुत फेमस बंदे से ही शादी करूँगी, बॉलीवुड क्या मैं हॉलीवुड से लेकर आऊँगी। तो उसको टॉम हार्डी और टॉम लोकी और वो क्या है रॉक और टाइटैनिक वाला नहीं मिला, तो उसने निक को खुद ही बहुत बड़ा बना दिया। तो ये सब पीआर का गेम है। सलमान ने एग्जैक्टली कैटरीना के साथ ये किया था, ऐश्वर्या के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए कि तुमसे हसीन क्या, मुझे ऐसी हसीन औरत मिलेगी जो पूरी दुनिया बोलेगी कि हसीन है। तो एक्चुअली कैटरीना हसीन नहीं है, ये इल्यूजन है जो क्रिएट किया गया, आपकी माइंड को प्रोग्राम किया गया कि कैटरीना हसीन है, खुद कैटरीना को लगता है कि वो हसीन नहीं है और उस वो खुद कटरीना को बोलता है कि तुम हसीन नहीं हो। उनके ऊपर भी मैं कभी डिटेल में जाऊंगी, बात करूंगी, तो आप लोगों को समझ आएगी कि तो ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जिसको आपका माइंड चलने लगता है। अब आपको ये लगता है कि भाई निक बहुत फेमस है, बड़ा बंदा है, हॉलीवुड का कोई आम बंदा नहीं है, बेशक बहुत फेमस फेमस नहीं है लेकिन फेमस बंदा है। हालांकि निक असल में बिल्कुल फेमस नहीं था, निक फेमस हुआ ही तब इवन हॉलीवुड में भी, वरना वो हॉलीवुड में बस सिंगर था और उसके हो जाते थे कॉन्सर्ट्स और चीज़ें था वो, लेकिन इतना फेमस नहीं था जैसे हॉलीवुड के बाकी लोग हैं, जैसे जस्टिन है या और नाम है बड़े बड़े हॉलीवुड के अंदर, लाखों बड़े बड़े नाम हैं। तो उसमें जो निक का नाम था ना वो छोटा मोटा पीनट जितना नाम था, तो हॉलीवुड में इतना अब नाम हॉलीवुड में निक का भी हो गया क्योंकि पीआर बहुत पुश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब कुछ था। अगर आप लोगों ने आखिर तक वीडियो सुन ली, अगर सुन ली तो ये बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा। मैं चाहती ज़रूर हूँ कि आप लोग ये पूरी वीडियो सुनें चाहे कितनी भी लंबी हो, क्योंकि इसमें ए टू जेड मैंने कोशिश भी की कि कोई बात रिपीट ना हो, अगर हो भी गई तो हो गई, मैं एक टेक पे करती हूँ वीडियो, मैं बार बार नहीं काटती पीटती। और मैं सारी जो वीडियो है अपने माइंड से कर रही होती, यानी मैंने कुछ नोट्स नहीं लिखे होते, कुछ नहीं लिखा होता, तो मैं जो भी कर रही होती हूँ वो सब रॉ होता है। तो अगर कुछ चीज़ें रिपीट हो भी जाती हैं तो सही चलता है, ठीक है ना। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने वर्ल्ड वॉर 1-2 की हिस्ट्री और फिर वर्ल्ड वॉर 3 पे हम लोग आने वाले कि नहीं, उसके ऊपर हम मैंने बात कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन वो बहुत टाइम ले रही है मैनिपुलेट होने में, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इस वक्त इस तरीके का, और स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो जो छोटी मूँछों वाला एक बंदा नहीं था जर्मनी में, उससे रिलेटेड है। तो यूट्यूब के ना पेट में बहुत दर्द होता है, तो इस वजह से वो कर नहीं रहे। तो ये बीच में फिलर के तौर पे मैं साथ एक वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे, तो मेरी कोशिश ये है कि ये एक वीडियो आप लोग देख लें, ताकि वो जो वर्ल्ड वॉर वाली है वो जो आप लोग फिर बीच में जब भी वो होंगी तो होंगी, मैं वो 3 वीडियोज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। चलें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।